हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सफलता मन दोस्तों आज सुबह की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग जिसमें कि हम लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली आपके लिए सुबह साढ़े छः बजे ये करंट अफेयर की क्लास आती है आप लोग सभी लोग इस क्लास को ज़रूर देखेगा अधिक से अधिक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों आज है बीस अप्रैल बीस 20 अप्रैल दो से संबंधित सभी क्वेश्चन को यहाँ से जरूर देखिए अधिक से अधिक शेयर करिए और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें करंट अफेयर 2020 नाम से पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है पुरानी सभी क्लासेस जनवरी से लेकर के अप्रैल तक की यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वेलाइकन को प्रेस करिएगा ताकि आगामी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अब देखते हैं पहले क्वेश्चन से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं साथ में ही तैयार करते रहिएगा पहला क्वेश्चन है कोविड नाइन्टीन पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किस राज्य ने फेसबुक के साथ चैटबॉट विकसित किया है दोस्तों चैटबॉट एक ऐसा ऑनलाइन एआई होता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया एक रोबोट टाइप का होता जो कि आपके द्वारा दिए गए मैसेजेस का तुरंत ऑनलाइन रिप्लाई करता है इसी को चैटबॉट कहा जाता है तो दूसरों कोरोना वायरस से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक राज्य ने फेसबुक पर ही चैटबॉट विकसित किया है राज्य का नाम है पंजाब अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने हाल ही में इस चैटबॉट को विकसित करने के लिए कवायद की है तो दोस्तों इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा याद रखिएगा चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर तो अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है देखिए जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन दिया गया किस राज्य किस मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत वेबिनार कार्यक्रम की शुरुआत की है तो दोस्तों कार्यक्रम का नाम है देखो अपना देश और इस कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन वेब सीरीज टाइप की लॉन्च करके घर बैठे ही अपने देश के विभिन्न इंपॉर्टेंट घूमने लायक पर्यटन स्थलों को लेकर दर्शाया गया है ये किस मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई सेकेंड नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन हम आपको पहले भी दूसरे रूप में करा चुके हैं तो इसका नाम याद रखिएगा दोस्तों नाम है देखो अपना देश इस वेब श्रृंखला की जो नींव रखी गई जो चालू किया गया पर्यटन मंत्रालय या पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई है तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा याद कर लीजिएगा दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री पर तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए जल्दी से किस मंत्री ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की है तो दोस्तों हाल ही में एक मंत्री ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भारत में सभी स्थान जो सांस्कृतिक विरासत के रूप में हैं उन सभी की एक लिस्ट जारी की है एक पूरी सूची जारी की है तो किसने किया दोस्तों तो आपने पर्यटन मंत्री के रूप में नाम सुना होगा प्रहलाद सिंह बघेल जी का तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों प्रहलाद सिंह बघेल जी इन्होंने ही हाल ही में ये सूची जारी की है इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फोर देखिए जल्दी से किस राज्य ने दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन एडुसेट कक्षाओं के के वीडियोस को फिर से प्रसारित करने की बात कही है तो दोस्तों एडुसेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा पहले आपको पढ़ा चुके हैं ई के अंतर्गत तो ये एडुसेट एक आपका ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित उपग्रह है क्या है ये दोस्तों उपग्रह है? इसके माध्यम से आपके दूरदर्शन चैनल पर क्लासेस चलाई जाती हैं एडुसेट ये आपका एजुकेशन से संबंधित एक उपग्रह है इस उपग्रह के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेज चलाई जाती हैं ऑनलाइन क्लासेज का मतलब है टी पर क्लासेज नेशनल चैनल पर के माध्यम से पढ़ाई संबंधित क्लासेस चलाई जाती थी इनको बाद में बंद कर दिया गया था लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक राज्य ने फिर से दसवीं के छात्रों के लिए जो बालक टेंथ बोर्ड में हैं इन छात्रों के लिए ऑनलाइन एडुसेट कक्षाओं की वीडियो फिर से प्रसारित करने की बात कही है तो किस राज्य में किया गया तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर इसका सही आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन अगर पसंद आए क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर बताते रहिएगा क्लासेस को देखते रहिएगा और घर पर ही रहना है दोस्तों कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है वर्तमान हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है इसलिए घर पर रहकर अपनी तैयारी करिए और स्थिति को संभालने की कोशिश करिए समझने का प्रयास करिए अगला क्वेश्चन नंबर फाइव है किस संगठन ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स बनाया है तो दूसरे टीम मास्क फोर्स एक आ, टीम गठित की गई है जो कि लोगों को अपने अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए जागरूक करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने के लगाकर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है तो दोस्तों ये टीम मास्क फोर्स एक क्रिकेट के द्वारा क्रिकेट टीम के द्वारा बनाई गई एक, एक फोर्स है टीम मास्क फोर्स है जो कि लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है दोस्तों बीसीसीआई के द्वारा बीसीसीआई का नाम आपने सुना होगा दोस्तों भारत क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड है और और इसके द्वारा ही ये टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है जो कि सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार की गई इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बी के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी और इनकी ही अध्यक्षता में इस टीम को गठित किया गया है इसमें कई बड़े बड़े चेहरे सचिन तेंदुलकर जी विराट कोहली जी इन सभी लोगों को स्थान दिया गया है तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर सी एस आई आर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सी आर टी आर आई इसने एक संस्थान में इलाज कर रहे कोविड नाइन्टीन रोगियों का जो इलाज करवा रहे हैं रोगी कोविड नाइन्टीन के इनके लिए उच्च प्रोटीन वाले बिस्किट उपलब्ध कराने की बात कही है ये किसने तैयार किए तो दोस्तों ये बिस्किट्स सी एस आई आर के अंतर्गत आने वाली एक सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है या आपका फूड इंस्टीट्यूट है फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित यहीं पर इन उच्च प्रोटीन वाले विश बिस्किट्स को बनाया गया और इन विस्ट बिस्किट्स को इलाज के लिए जो मरीज आए हैं कोविड नाइन्टीन के लिए किस स्थान के मरीज़ हैं जिनको प्रोवाइड कराने की बात कही गई है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है और सिक्स नंबर क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों एम्स नई दिल्ली में जितने भी मरीज कोविड नाइन्टीन से संबंधित हैं सभी को उच्च प्रोटीन वाले बिस्किट प्रोवाइड कराने के लिए इस संस्था ने अपना जिम्मा लिया है इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सी एस आई आर के बारे में आपने सुना होगा कई दिन से जितने भी इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं सी एस आई आर के द्वारा ही किए जा रहे हैं उसी के अंतर्गत ये सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आता है याद रखिएगा आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा और एक ही क्वेश्चन को याद करते रहिए अगला क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के नाम से जाना जाता है ने किस एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म को स्थापित किया है तो दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से एक एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाया गया एक भू स्थानिक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका काम लोगों को जागरूकता फैलाना और उनको एक साथ जोड़कर किस प्रकार से कोविड नाइन्टीन से बड़ा ब, आगे बढ़ा जा सकता है जीता जा सकता है क्या क्या इसके लिए किया जा सकता है तो ये एक जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया इसका नाम रखा है तो सहयोग नाम रखा गया है याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह सहयोग जो इस प्लेटफॉर्म बनाया गया इसका मुख्य काम कोविड नाइन्टीन से निपटना ही है कि किस प्रकार से इससे लड़ा जा सकता है ये इसका प्रमुख उद्देश्य है इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा याद कर लीजिएगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर इसके पहले दोस्तों आपको बता दें कि क्लास के एंड में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको डेली क्लासेस के तरीके कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक संख्या में देना है और लास्ट क्लास में जिसके सटीक आंसर आए थे वो भी आपको इस क्लास में बताए जाएंगे किसका आंसर सबसे सही आया था और किन किन लोगों ने इसका आंसर दिया था डेली के तरीके आपको आंसर्स देखने को मिलेंगे तो सभी लोग क्लासेस को एंड तक जरूर देखेगा क्वेश्चन नंबर एट है किस देश ने भारत को एंटी सिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दी है हाल ही में भारत ने एक देश से एंटी सिप मिसाइल ये सभी आपके समुद्री क्षेत्र से लिए क्षेत्रीय जो आप हमारे क्षेत्रीय एरिया हैं इनसे बचने के लिए एक एंटीसिप मिसाइल और तौरपीडो जो कि मुख्य रूप से जो आपके पंडुब्बियाँ होती हैं उनको मारने में उनके द्वारा उनको बचाने के लिए बनाई गई हैं इनको बेचने के लिए इनको यानी कि दूसरे देश से ख़रीदने की मंजूरी मिल गई किस देश से खरीदने की मंजूरी मिली ये क्वेश्चन भी आपको पहले हम दूसरे तरीके से करा चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद होगा होगा तो एंटी शिप मिसाइल और तॉर्पीडो मिसाइल ये दोनों ही अमेरिका ने भारत को बेचने की मंजूरी दे दी है अब ये मिसाइल अमेरिका से भारत में लाई जा सकती हैं इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक आपकी सी की क्लासेज भी लेकर आ रहे थे शाम को क्लासेस चलती थी लेकिन आप लोगों के सही रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से क्लासेज को बंद कर दिया गया है तो अब आप लोगों को बताना सी या फिर सुपर टेट में से कौन सी क्लासेस चलाई जाए जो आप लोग देखना चाहते हैं उन क्लासेस को हम लोग जल्द ही एक दो दिन में स्टार्ट करेंगे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसकी क्लासेस लेकर आना सही रहेगा चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पर हाल ही में किस राज्य ने कोविड नाइन्टीन के प्रकोप के कारण लॉकडाउन की सीमा को सात मई तक बढ़ा दिया है दोस्तों देखिए केंद्र सरकार की ओर से ये सीमा तीन मई तक रखी गई थी लेकिन स्थिति को ना संभलता हुआ देखते हुए स्थिति की हालत जो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है उसके कारण इस सीमा की लॉकडाउन की सीमा को सात मई तक एक राज्य ने बढ़ा दिया उसका क्या नाम है और आपको बता दें दोस्तों मरीजों की संख्या भी इस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है जिस प्रकार से टेस्टिंग की क्षमता बढ़ रही है उसी प्रकार से मरीज अगर चौबीस घंटे की बात की जाए पिछले चौबीस घंटे में लगभग पंद्रह मरीज़ बढ़े हैं जो कि बहुत ख़राब स्थिति है दोस्तों इन सबसे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि घर पर रहिए लॉकडाउन में किसी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो तेलंगाना राज्य ने हाल ही में ये लॉकडाउन की सीमा को सात मई तक के लिए बढ़ा दिया है और किसी को भी घर से ना निकलने के सख्त आदेश दिए गए हैं चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर टेन है आर ने हाल ही में महावलेश्वर एम एस को किस बैंक का द्वारा एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी है तो दोस्तों आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक कंपनी एक बैंक के पहले से ही एमडी और सीईओ थे महावलेश्वर एम एस जी को दोबारा से इस पद के लिए नियुक्त कर दिया गया यह किस बैंक के एमडी और सी थे एम यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सी यानी कि जो उस कंपनी के मेन अधिकारी होते हैं उनको कहा जाता है चीफ एग्जी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये दोनों एक ही पद होते हैं लगभग और महाबलेश्वर एम को कर्नाटक बैंक का एम और सी बनाया गया इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दो से लगातार वे इस पद पर बने हुए हैं और एक बार फिर से दोबारा से उनको एम और सी नियुक्त किया गया है तो क्वेश्चन नंबर टेन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर इलेवन और आज का अंतिम क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है हाल ही में विश्व होम्योपैथी डे डे किस दिन मनाया गया था होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया था क्वेश्चन भी आपको पहले हमने कराया था और काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन गलत भी किया था हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे तो विश्व होम्योपैथी डे ये है नहीं हेली करके उनका नाम है हेलीपैथी उनके नाम पर मनाया जाता है और यही होम्योपैथी के जन्मदाता माने जाते हैं ये 10 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अब इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इस वर्ष का थीम क्या था तो दोस्तों वर्ष दो का होम्योपैथी डे का जो थीम रखा गया था वो थीम रखा गया था लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलेब्रेशनस ये इस वर्ष का थीम रखा गया वर्ष 2020 का जो विषय रखा गया था वो ये रखा गया था आपके इस दिवस का तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बात करते हैं दोस्तों कल के प्रश्न की तो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस का इलाज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने वाला पहला राज्य आपका बना है केरल इसका आपका सही आंसर है केरल आप लोगों ने बहुत से लोगों ने आंसर्स किया और जिसने आंसर नहीं किया आप लोग भी जरूर आंसर किया करिए कमेंट बॉक्स में एक से दो सेकंड का समय लगेगा कुशल जी का आंसर मिला है और ये बहुत सटीक आंसर करते हैं पूरी व्याख्या के साथ करते हैं आप लोग भी इनके कमेंट पढ़कर लाइक जरूर करिएगा और देखेगा अमरीश जी ने आंसर किया है और इन्होंने भी केरल को सही बताया है और बहुत ही व्याख्या के साथ इन्होंने भी समझाया अर्चना जी पूजा देवी जी का आंसर मिला है अन्य लोगों की बात की जाए तो लोकेश शर्मा जी सुमित जी अनुज पांडे जी कुमारी गौरी जी खालिद खान जी अनूप त्रिपाठी जी इन लोगों के कमेंट्स देखने को मिले हैं बहुत बढ़िया है। आप लोग अच्छे से अपनी पूरी तैयारी करते रहे क्लासेस से जुड़े रहिए और एक क्वेश्चन को समझते रहिए इसके अलावा विपिन गुप्ता जी सोनिया दक्ष जी और स्टडी विद यस कई लोगों के भी अन्य के भी कमेंट्स देखने को मिले हैं आज का प्रश्न आपका आपके सामने है द स्मार्ट ट्रिपलेट्स किस खेल के शुभंकर चुने गए भी हमने आपको कुछ दिन पहले क्वेश्चन कराया था अगर आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा तीन रोबोट जो कि एक शुभंकर चुने गए थे खेल के उस खेल का नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है तीन सु जो ट्रिपलेट्स थे हमने उनके आपको नाम भी बताए थे आप लोगों को याद होने चाहिए अगर नहीं याद हैं तो ध्यान करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर करिए क्लासेस को लाइक करिए क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताइएगा और पुरानी क्लासेस के कुछ के लिंक नीचे दिए गए हैं उन क्लासेस को भी अधिक से अधिक संख्या में देखकर शेयर करना मत भूलिए थैंक यू दोस्तों गुड बाय टेक केयर मिलते हैं शाम की क्लास में बताइएगा जरूर सी टेट या सुपर टेट थैंक यू दोस्तों गुड बाय टेक केयर